फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने अगर मेरा लाइक रिक्वेस्ट सब्सक्राइब रिक्वेस्ट देख लिया तो आप भी अगर ऐसा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको आपके यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाना होगा और उसमें एक वीडियो चूज़ कर लेना है, जिस वीडियो में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके उस वीडियो के ऊपर जो लाइक और सब्सक्राइब बटन है उसको सिलेक्ट करके ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है, मैं जैसा कह रहा। उसके बाद आपको एक किन मास्टर नाम का ऐप है वीडियो एडिटिंग, उसमें जाना होगा, ठीक है? और उसमें जाने के बाद न्यू पर क्लिक करके 16:9 कर देना और अपने जो स्क्रीन रिकॉर्ड किया वो स्क्रीन रिकॉर्डर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ऐसे मैंने जैसा किया, ठीक है? उसके बाद आपको वो जो लाइक करने के बाद और बेल आइकन दबाने तक जो पोर्शन है उसको आपको प्ले पॉज करके ये जो मैंने एडो दे दिया है यहाँ से आपको देखना है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है? उसके बाद ये जो कट का बटन दिख रहा है मैंने मार्क कर दिया, वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है? वहाँ पे जाने के बाद ये जो मार्क किया मैंने फर्स्ट ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा, जहाँ पे आप रखे हैं वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? और ये आपको स्लाइड करके देख लेना है कहाँ पे ख़त्म होता है, ख़त्म होगा जहाँ वहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन के नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और वहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद एक बार आप टिक मार के सेव कर देना और प्ले करके देखना, ठीक है? उसके बाद आपको वीडियो को रिसाइज करना पड़ेगा। इसके लिए नीचे जहाँ एडो दे रहा हूँ मैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है? उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो मार्क दे रहा हो रिसाइज का वहाँ पे आप जाके प्रेस कर दीजिए, तो ऐसा करके आएगा। तो आप यहाँ पे जाइए फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जहाँ पे मार्क किया और ये जूम जैसे करते हैं ना स्क्रीन, ऐसे जूम करके इसको आप अपने जैसे जितना मर्जी चाहते हैं फुल स्क्रीन में ऐसे करके सेट करके रखिए, ठीक है? जैसा चाहिए ऐसे सेट कर लीजिए। हाँ, ये सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो इक्वल्स टू का मार्क दिख रहा है, देखो मैंने एरो दे दिया, मार्क दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके नीचे वाला ऑप्शन भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब वीडियो के फर्स्ट से लास्ट तक ऐसा ही क्रॉप स्क्रीन रहेगा, ठीक है? बात आपको ये एरो में जाके सेव कर देना है, ठीक है? और उसके बाद आपको एक बार प्ले करके देख लेना है ठीक हुआ या नहीं, ठीक है? उसके बाद आपको मैंने जहाँ एडो दे रहा हूँ उस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ठीक है? ये देखो यहाँ पे जाइए और जाने के बाद ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाइए, ठीक है? वहाँ पे जाके आपको ये गन का स्क्रीन जो है वो सब सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? वो सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करके इसको आप ये इस एरो के मदद से जहाँ मार्क किया उससे बड़ा छोटा कर सकते हैं करके ये लाइक बटन के ऊपर सेट कर दो, ठीक है? उसके बाद आपको ये जो नीचे येलो बड़ा जो मार्क दिख रहा है उसका लास्ट में जाके टच करके उसको छोटा करके कर देना है। ये देखो एरो दे दिया मैंने, वहाँ पे जाके छोटा कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपको ये स्लाइड कर करके देखना है कि ये गन कब तक और स्क्रीन में रह रहा है और कब तक चला जा रहा है, ठीक है? ये देखो और अपने हिसाब से इसको लास्ट से या फर्स्ट से इसको छोटा बड़ा कर देना है, ठीक है? मैं कर लेता हूँ उसके बाद बोलता हूँ।
ये करने के बाद एक बार प्ले करके देख लेना है ठीक से हो रहा है या नहीं, ठीक है। बाद आपको जाना है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में गन लगाना है ठीक है। सब्सक्राइब को देख लीजिए कहाँ पर है, ये रेड बल्ब लाइन दिख रहा है आपको, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन शुरू होता है वहाँ पे लगा के रख के गन का स्किन को ऐड करना पड़ेगा ठीक है। गन का स्किन ऐड कर लिया, उसके बाद इसको इस एरो से छोटा कर लिया, और ऊपर वाला जो एरो मार्क किया उससे ये बैंड होता है, ऐसे हो गया। और सब्सक्राइब के ऊपर सेट करके पहले वाले की तरह ही छोटा करके सेट कर देना ठीक है, सेम प्रोसेस है, अब सेट कर देना। और अगर आपको, आपके पास ये गन का स्किन जो लगा रहा हूँ मैं ये आपको नहीं है, तो ये आपको नेट से मिल जाएगा, आप सर्च करना ये गन स्किन PNG फाइल में सर्च करना, आप कोई भी गन का नाम लिख दीजिए और PNG फाइल लिख देना ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। ऐसा कोई गन का पिक्चर नहीं लगा सकते उसमें, पिक्चर से ये साइट का जो लिखा हुआ है वो सब ढक जाएगा। ये PNG फाइल में सिर्फ गन दिखता है, बाकी सब कुछ नहीं दिखता, इसीलिए PNG फाइल ही चाहिए ठीक है। इस तरह से आप बाकी जो बेल आइकन है उसको भी सेट कर लो, उसके बाद मैं बोलता हूँ ठीक है। गन का स्किन सब मैंने जैसे लगा रहा हूँ आप ऐसे ही लगा लेना ठीक है, तो हो जाएगा। और सब सेट होने के बाद आप एक बार प्ले करके देख लीजिए, ये प्ले वाला बटन है इसको प्रेस करके देख लीजिए सब टाइमिंग ठीक है या नहीं। टाइमिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे ठीक है, आपको यही देखना होगा टाइमिंग ठीक है या नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये गन का स्क्रीन जहाँ जहाँ लगाया है वहाँ वहाँ हमें गन का जो साउंड है वो साउंड भी लगाना है ठीक है। ये साउंड भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, आप जो भी गाना को आप लगा रहे हैं उस गान के हिसाब से साउंड डाउनलोड कर लीजिएगा, और साउंड का ये जो ऑडियो ऑप्शन है वहाँ पे जाके साउंड को ऐड कर लेना ठीक है। ये मैं जैसे ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे गान साउंड को सिलेक्ट किया और प्लस आइकन पे जाके ऐड कर लिया, और ये साउंड को सेट करके लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट वाला एंड पे जाके इसको छोटा करके सेट कर देना है ठीक है, अपने हिसाब से सुन के सेट करना ठीक है, साउंड सुन के सेट करना और लगा देना ठीक है। और उसके बाद एक बार प्ले करके देखना साउंड गन आ रहे हैं तभी साउंड आ रहे हैं या आगे आ रहे हैं पीछे आ रहे हैं, आपको अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करना है ठीक है।
अब ये सेट हो गया, तो इसको आपको यहाँ पे ऐड में जाके उसको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे थ्री डॉट में जाके डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। और नीचे डुप्लीकेट फाइल आ जाएगा, उस डुप्लीकेट फाइल को टच करके होल्ड करके ले जाना और दूसरी गन की स्किन जहाँ पे लगा है वहाँ पे लगा देना। ऐसे करके बाकी जो दो गन लगे हैं वहाँ पे ही डुप्लीकेट करके लगा देना, मैं जैसे लगा रहा हूँ, ठीक है, देख लो। सब कुछ सेट होने के बाद आप प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले में प्रेस कीजिए, प्ले करके देख लीजिएगा साउंड और गन का स्क्रीन टाइमिंग ठीक है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको ये सेव करना पड़ेगा, सेव करने के लिए ये मार्क लगे हैं यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाइए और एक्सपोर्ट में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो सेव हो जाएगा ये फाइल, स्किप कर देना, ये एक्सपोर्टिंग हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ये देखो फाइल आ गया, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट करके लिखना, ठीक है। और अगर अच्छा लगा आपका हो गया है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर देना, ठीक है। थैंक यू।